कोई स्टूडेंट बताएगा? ठीक है, विजिबल है स्क्रीन सबको? क्या लिखा दिख रहा है इस पे? ट्रोकोफोर लार्वा। एनिलिडा में एक लार्वल स्टेज है जिसको हम ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक लार्वा भी है जो कुछ एक अदर ऑर्गेनिज्म जैसे मोलस्का में, अकाइनोट्रोमेटा में, हेमिकोडेटा के अंदर भी सिमिलर टाइप का लार्वा मिलता है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक लार्वल स्टेज ऑफ एनिलिडा, जहाँ पे एग हैच होगा। एक लार्वल स्टेज में ये फर्स्ट लार्वल स्टेज है, ट्रोकोफोर लार्वा नाम देंगे इसको। छोटा सा लार्वा है जैसे आपको डायग्राम में विजिबल हो रहा है। इट इज ए माइन्यूट पिलेजिक लार्वा जो एपिप्लेजिक जोन में भी मिल जाता है और प्लेजिक जोन में भी मिल जाता है। समवट सिमेट्रिकल है, ओवल शेप है इसकी। ये सिमिलर टाइप का लार्वा मैंने अभी आपको बताया मोलस्का में भी मिलता है, कुछ अदर फाइलम में मिलता है। इसी से मिलता जुलता लार्वा अकाइनोटर्मेटा में भी मिल जाता है, हेमिकोडेटा में भी मिल जाता है। कुछ अदर इसके करेक्टर देखें तो पहले हम स्ट्रक्चरल फीचर देखते हैं इसके, कि एक्चुअली में इसमें कौन कौन से बॉडी कंपोनेंट्स हैं, कैसा दिखता है, क्या बॉडी पार्ट्स हैं। सबसे पहले देखें तो माइन्यूट है, मैंने आपको पहले बताया, छोटा सा है। बॉडी पे जगह जगह देखो सिलिया प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इसको सिलिएटेड लार्वा भी बोल देते हैं। बॉडी में कोई सेगमेंट्स नहीं है, अनसेगमेंटेड लार्वा है। अडल्ट में याद करो हमने इसमें अर्थवर्म स्टडी किया तो वहां पे देखा था सेगमेंटेड बॉडी, बट इनका जो लार्वा है ये अनसेगमेंटेड है, ओवल शेप्ड है, बाइलेटरल सिमेट्री है। बॉडी एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग से कवर्ड है और ये ट्रांसपेरेंट कवरिंग आप देखोगे बॉडी के एंटीरियर एंड पे समवट थिक हो जाती है। इट इज थिकंड एट एंटीरियर एंड और इसको हम नाम देते हैं एपिकल रीजन या एपिकल प्लेट का नाम भी बोल देते हैं। इट इज थिकंड एट एंटीरियर और अपेक्स रीजन विच इज नोन एज एपिकल प्लेट। और यहाँ पे देखो सेंसरी सेल्स का टफ ग्रुप ऑफ सेंसरी सेल प्रेजेंट है जिसको सेंसरी सिलिया का नाम देते हैं। अदर जो बॉडी में देखें तो टू मेन सिलिएटेड बैंड्स हैं, एक ये वाला दिस वन सिलिएटेड बैंड जो माउथ के, ये इसका माउथ है, ये माउथ के अबव प्रेजेंट है, इसको प्री ओरल या प्रोटोट्रॉप सिलिएटेड बैंड भी नाम देंगे। और एक देखो ये माउथ के बिलो प्रेजेंट है जिसको पोस्ट ओरल या मेटाट्रॉप का नाम देंगे। ये दो टर्म्स आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी होंगी, एक एक नंबर में भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज प्रोटोट्रॉप एंड व्हाट इज मेटाट्रॉप। प्रोटोट्रॉप जो मैंने अभी आपको बताया माउथ के अबव एंटीरियर एंड पे ये जो सिलिएटेड बैंड है इसको प्रोटोट्रॉप का नाम देंगे, इसको प्री ओरल सिलिएटेड बैंड का नाम भी देते हैं। और ये जो दूसरा बैंड जो बिलो प्रेजेंट है इसको पोस्ट ओरल या मेटाट्रॉप का नाम भी देते हैं, एक माउथ के अबव और एक माउथ के जस्ट बिलो। तो क्या क्या अब तक हमने इसमें देखा? दैट इट इज माइन्यूट ओवल शेप्ड अनसेगमेंटेड सिलिएटेड लार्वा हैविंग वन टफ ऑफ सेंसरी सिलिया एट इट्स अपेक्स एंड टू बैंड ऑफ सेंसरी सिलिया, वन जस्ट अबव द माउथ एंड वन जस्ट बिलो द माउथ। ये इक्वेटोरियल रीजन पे है, एक माउथ के थोड़ा अबव है, एक थोड़ा बिलो है, इक्वेटोरियल रीजन पे। एक को प्रोटोट्रॉप का नाम देंगे और एक को मेटाट्रॉप का नाम देंगे। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो इसकी बॉडी को हम टोटल थ्री सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक प्रोटोट्रॉकल रीजन, दिस वन ये जो पार्ट है माउथ के अबव वाला पार्ट इसको प्रोटोट्रॉकल रीजन का नाम देंगे। दूसरा स्टोमोडियल रीजन, ये जो बिटवीन का पार्ट है जहाँ पे माउथ प्रेजेंट है इसको स्टोमोडियल रीजन का नाम देंगे। और एक ये पोस्टीरियर पार्ट जो माउथ के बिलो है इसको पिगडियल रीजन का नाम देंगे। मीन्स द होल बॉडी कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री सब पार्ट्स, दिस अबव जो माउथ के अबव है एंटीरियर मोस्ट है इसको प्रोटोट्रोकल रीजन, प्रोटोट्रोकल इस बैंड को प्रोटोट्रोकल नाम दिया था तो इसके अबव वाला प्रोटोट्रोकल रीजन, बिटवीन जहाँ माउथ प्रेजेंट है स्टोमोडियल रीजन और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को पिगडियल रीजन का नाम देते हैं। प्रोटोट्रोकल में क्या क्या काउंट होता है? प्रोटोट्रोकल में अगर हम इसमें देखें तो इसमें सेरिब्रल गैंग्लिया, यहाँ पे डायग्राम में देखो ये जो ब्रेन प्रेजेंट है रेड कलर का डॉट, ये इसका नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसको हम नाम देते हैं सेरिब्रल गैंग्लिया, वो प्रेजेंट है।
प्लस वन पेयर ऑफ आईज, यहाँ पे देखो जिनको लेटरल आईज भी बोल देते हैं। इस डायग्राम में आपको और क्लियरली दिखेगा ये वाला जो ऑरेंज कलर का पैच दिख रहा है, दैट इज आईज। तो इस प्रोटोट्रोकल रीजन में हमें एक तो सेरिब्रल गैंग्लिया विजिबल होगा, देन लेटरल आईज विजिबल होंगी। स्टोमोडियल रीजन में अगर हम देखें तो स्टोमोडियल रीजन में मेनली तो माउथ प्रेजेंट है, जो प्रोटोट्रोकल और मेटाट्रोकल रीजन के बीच में है। प्रोटोट्रोकल ये एंटीरियर बैंड, मेटाट्रोकल ये पोस्टीरियर बैंड, इन दोनों बैंड्स के बीच का जो पार्ट है इसको स्टोमोडियल पार्ट नाम देते हैं। और पिग्डियल रीजन में ये जो जितना भी हाइंडर पार्ट है, दैट इज बिहाइंड मेटाट्रोक, इस मेटाट्रोक सिलिएटेड रिंग के बिहाइंड जो पार्ट है इसको हम नाम देते हैं पिग्डियल रीजन। तो इस तरह से हम इसकी बॉडी को थ्री डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स गट भी प्रेजेंट है, जिसमें फोर डिस्टिंक्ट पार्ट है, जिसमें सबसे पहला पार्ट तो ये देखो माउथ, ये इसकी गट है, दिस वन जो अंदर ही अंदर जा रही है, जिसमें एक साइड से माउथ प्रेजेंट है लेटरल इन पोजिशन। माउथ ओपन करेगा एक पाउच में जिसको नाम देंगे हम स्टमक, ये इसकी गट का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट तो क्या हो जाएगा माउथ, सेकेंड पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टमक, थर्ड पार्ट दिस वन इंटेस्टाइन, एंड फोर्थ पार्ट इज आउटलेट दैट इज एनस। चार पार्ट से मिलके बना हुआ है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम या गट, तो हम इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं। माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड एनल रीजन। सिलोम की बात करें तो सिलोम इनके अंदर एबसेंट है, बॉडी में सिलोम नहीं है। अडल्ट में सिलोम प्रेजेंट था, लार्वा में सिलोम नहीं है। बट लार्वा के अंदर एक एडिशनल कैविटी, एक एडिशनल स्पेसियस चैम्बर है जिसको हम नाम देते हैं ब्लास्टोसिल, और वो चैम्बर ये वाला दिस वन, जिसमें एक साइड से तो बाहर से बॉडी वॉल है और दूसरी साइड से गट वॉल है। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो स्पेसियस चैम्बर है, दिस स्पेसियस चैम्बर इज नोन एज ब्लास्टोसिल, इसको हम ब्लास्टोसिल का नाम देते हैं, ये प्रेजेंट है। इसको सिलोम का नाम क्यों नहीं देते, याद करो सिलोम की लाइनिंग मीजोडर्मल होती है, सिलोम मीजोडर्म से लाइंड होता है, बट यहाँ पे देखो इसकी लाइनिंग क्या होगी, एंडोडर्म, बाहर से एक्टोडर्म, अंदर से एंडोडर्म, बीच में स्पेसियस कैविटी जिसको हम नाम देंगे ब्लास्टोसिल। और क्या प्रेजेंट है इसकी बॉडी में, अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट है प्रोटोनेफ्रिडिया, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल या इंटेस्टाइन की लेटरल साइड पे, यहाँ पे देखो ये लार्वल नेफ्रिडिया या प्रोटोनेफ्रिडिया इसकी एलिमेंट्री कैनाल की लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करेंगे। ये एक ट्यूब्यूल के थ्रू ओपन करेंगे नियर टू एनल रीजन, और इस ट्यूब्यूल को नाम देंगे हम एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल। प्रोटोनेफ्रिडिया और एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दे ओपन नियर टू एनल रीजन थ्रू अ ट्यूब्यूल नोन एज एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल। किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट कुछ पूछना हो, नहीं है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, हमें पता है जब लार्वा अडल्ट में चेंज होगा तो उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे हम, मेटामोर्फोसिस, ठीक है, क्या नाम देंगे हम, मेटामोर्फोसिस, द प्रोसेस बाय विच लार्वा चेंज इन टू अडल्ट। अभी हमने देखा था ये एपिपिलेजिक या पिलेजिक जोन में मिलता है लार्वा, ये मेटामोर्फोसिस शो करेगा, फाइनली ये अडल्ट में चेंज हो जाएगा। जब ये मेटामोर्फोसिस करेगा तो इसके बॉडी पार्ट्स, लार्वल बॉडी पार्ट्स चेंज होंगे अडल्ट बॉडी पार्ट्स में। जैसे लार्वा का सबसे फर्स्ट रीजन था प्रोटोट्रोकल रीजन, ये अडल्ट में प्रोस्टोमियम रीजन फॉर्मेशन करेगा। प्रोटोट्रोकल रीजन अडल्ट में क्या बनाएगा, प्रोस्टोमियम बनाएगा। स्टोमोडियल रीजन की बात करें तो ये अडल्ट में पेरिविसरल सेगमेंट्स बनाएगा, और पिग्डियल रीजन की बात करें तो दिस रीजन फॉर्म द बॉडी ऑफ अडल्ट। मतलब लार्वा के तीनों बॉडी पार्ट्स अडल्ट में अलग अलग बॉडी पार्ट्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। प्रोटोट्रोकल रीजन प्रोस्टोमियम बनाएगा, स्टोमोडियल रीजन की बात करें पेरिविसरल सेगमेंट्स बनाएगा जो विसल ऑर्गन्स के अराउंड प्रेजेंट होंगे, और पिग्डियल रीजन की बात करें तो ये अडल्ट की बॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। पिग्डियल रीजन इलोंगेट करेगा, याद करो पिग्डियल रीजन किसको बताया था हमने, ये जो पोस्टीरियर मोस्ट मेटाट्रोक सिलिएटेड बैंड के बिहाइंड जो रीजन था उसको पिग्डियल रीजन नाम दिया था।
ये पिक्डियल रीजन इलोंगेट करेगा, इसमें इंटेस्टाइन, अदर बॉडी सेगमेंट्स एंड सेटिजरस सैक ये अपीयर हो जाएंगे। सेटिजरस सैक किसको नाम दिया था? वो सैक जहाँ पे सिट्टे डिवेलप हो रहे थे, जो इसकी लोकोमोशन में हेल्प कर रहे थे, टाइम के साथ वो इसमें अपीयर हो जाएंगे। ग्रेजुअली धीरे धीरे नंबर ऑफ सेगमेंट्स इंक्रीज होते जाएंगे, लार्वा बॉटम पे सिंक कर जाएगा और फाइनली वो किस में चेंज हो जाएगा? अडल्ट में चेंज हो जाएगा। तो मेटामॉर्फोसिस से ये लार्वा फाइनली अडल्ट में, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो लार्वा के हैं वो अडल्ट के डिफरेंट बॉडी पार्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मेन क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोपोफोर लार्वा, यहाँ से दो क्वेश्चन आ सकते हैं इस पार्ट से। या तो वो कह सकता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोफोर लार्वा, या वो कह सकता है कि इसका सिग्निफिकेंस बताओ। तो अगर सिग्निफिकेंस में देखें, मैंने आपको पहले बताया ये ट्रोकोफोर लार्वा कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स के लार्वा से मैच करता है, जैसे सिमिलर टाइप का लार्वा जिसको बोलते हैं बाइपनेरिया लार्वा, वो अकाइनोडर्मेटा में मिलता है। इसी तरह एक टोरनेरिया लार्वा है, वो ब्लेनोग्लोसस या हेमिकोडेट्स में मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एफिनिटी शो कर रहा है, ये सिमिलरिटी शो कर रहा है विद द बाइपनेरिया लार्वा ऑफ अकाइनोडर्मेटा एंड टोरनेरिया लार्वा ऑफ हेमिकोडेटा। यहाँ से क्या हमें कंक्लूजन निकलता है, क्या बात निकल के सामने आती है, दैट समहाउ अकाइनोडर्मेटा का ओरिजिन हुआ होगा एनिलिडा से और हेमिकोडेटा का ओरिजिन हुआ होगा अकाइनोडर्मेटा से। हम इनके ओरिजिन को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि इनकी लार्वल फॉर्म आपस में मैच करती है, लार्वल फॉर्म कंपैरेटिवली एफिनिटी शो कर रही है। इट मीन समहाउ इनका कोई ना कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, एनिलिडा से बने होंगे अकाइनोडर्मेटा और अकाइनोडर्मेटा से ओरिजिन हुआ होगा हेमिकोडेटा का। प्रूफ क्या है हमारे पास, इनका लार्वल स्टेज जो आपस में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी शो कर रहा है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, दैट दिस लार्वा हैज अ ग्रेट फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस। इसका फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस है, ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में रोल प्ले करता है, ये इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंस होगा। सेकेंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो ट्रोकोफोर लार्वा सर्व फॉर डिस्पर्सल ऑफ स्पीसीज, ये मोटाइल है, इसके पास सिलिया है, मूव कर सकता है, तो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पर्स होने में, स्पीसीज के डिस्पर्सल में इस लार्वा का इम्पोर्टेंट रोल होता है। और थर्ड अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें तो हमने देखा सिमिलर टाइप ऑफ लार्वा आल्सो फाउंड इन पॉलीचिट, ब्रायोजोन्स एंड मोलस्का, तो वो भी एक टाइप का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करता है, इनके कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है। बट कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि दिस सिमिलरिटी इज जस्ट अ अडेप्टिव रेडिएशन, इट इज अ रिजल्ट ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। कहते हैं कि इनका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं है, ये इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बट ये अडेप्टिव रेडिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें पता है अडेप्टिव रेडिएशन क्या होते हैं, इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट ग्रुप, दे शो सिमिलर करेक्टर बिकॉज ऑफ सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन। वो ऑर्गेनिज्म सेम करेक्टर शो कर रहे हैं क्योंकि उनको सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन फेस करनी पड़ रही है, सेम टाइप के इन्वायरमेंट में वो अडेप्ट हो रहे हैं, सेम करेक्टर शो कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज अडेप्टिव रेडिएशंस। यहाँ पे कहता है उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं है, अडेप्टिव रेडिएशंस की तरह ये बिहेव कर रहे हैं। किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कुछ पूछना हो, कुछ डाउट, कुछ समझना हो, बताएगा कोई? इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें तीनों लार्वा दिख रहे हैं, जैसे जो फर्स्ट लार्वा है ये ट्रोपोफोर लार्वा है जो एनिलिडा में मिलता है, सेकंड मैंने आपको बताया था टोरनेरिया लार्वा जो अकाइनोडर्मेटा के अंदर मिलता है, और थर्ड जो बाइपनेरिया लार्वा जो हमने किसमें देखा था, हेमिकोडेट्स के अंदर। काफ़ी सिमिलरिटीज हैं इनकी स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से हमने इनको एक तरह से इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के लिए, इवोल्यूशनरी प्रोसेस के लिए हमने इनको काउंट किया था कि समहाउ एनिलिडा से बने होंगे काइनोडर्मेटा और काइनोडर्मेटा से ओरिजिन हुआ होगा हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा से फाइनली ओरिजिन हुआ होगा कोडेटा का। तो एक तरह से ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को शो करता है। कुछ भी पूछना हो किसी स्टूडेंट ने?
नहीं पूछना, ठीक है। आज की क्लास में फिलहाल आपको इतना ही करना है। नेक्स्ट क्लास में अगर हम देखें तो हम नेक्स्ट स्पेसिमेन शुरू करेंगे जो हमारे पास है, उसमें ग्रास ऑपर, इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा। हम ग्रास ऑपर की डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके कैरेक्टर, देन उसमें जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। किसी स्टूडेंट को कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप लोग बोल सकते हो। नहीं तो आप लोग जा सकते हो।